ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ इस मौके आप ते निशाने साधदिया खहरा ने कहा कि उन्होंने हाले यही पता नहीं लग रहा कि आप का प्रधान कौन है क्योंकि भगवंत मान तो अहदे तो इस्तीफा दे चुके ने नाल ही खहरा ने कहा कि विधायक का पद इसलिए नहीं छड़ रहे क्योंकि इस नाल एक तो जिमनी चोणा का बोझ पवेगा दूजा आप तो विरोधी धिर का अहदा खुस जाएगा अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन केजरीवाल साहब ने तीसरी टनेर आप अपने आप ले ली तीन बार कन्वीनर बन गया अपने ही बनाए हुए संविधान तरोड़ मरोड़ के पाड़ के सो इस करके मैं उन्होंने बहुत गलों का इस तो बाद जवाब भी नहीं देना चाहता वाई नॉट आई विल फेस एवरी इलेक्शन फेस एवरी इलेक्शन देखो जी इट्स कॉल ऑफ द स्पीकर उन्होंने स्पीकर को जाके कर दिता वा उन्होंने मर्जी है स्पीकर साहब जो मैं बुलाएंगे मैं एक्सप्लेन करेंगे अपनी पोजिशन मैं उस वे दस दूंगा तुम सारे रेडी है तुसी इलेक्शन वास्ते बिल्कुल हर इलेक्शन लिए रेडी हाँ नॉट दैट वी आर रनिंग अवे पर असी ये जड़ा है सिस्टम सारा जड़ा इन्होंने बिल्कुल गला घुट दिता सी लोगों का मतलब तुसी एक दिन देखोगे सोशल मीडिया से एक मैं देख रहा सीगा एक पोस्ट आ रही थी कि एक छोटा हाथी आ छोटे हाथी के उ बहुत सारे झाड़ू लद्दे हुए हैं तो उद्दे लिखा कि संजय सिंह तो दुर्गेश आ झाड़ू लैके दिल्ली में रवाना हो गए हैं वापस मतलब अज इन्होंने अपने केडर के नाल धोखा किया जिहड़े स्वराज दियां नारे लाए जो उन्होंने आण के लोगों नूं करप्शन दियां गल्लां कीतियां जो उन्होंने किया सारिया गल्लां नूं छिक्के ते टंगिया और बिक्रम मजीठिया वर्गे बंदे तो माफ़ी मंगी इहदे नाल मीक ते काबड़ली सरेंडर नहीं हो सकता सीगा 20 तरीक नूं रैली करन आ रहे ने मैं उन्होंने भगवंत मान नूं पुछदा कि घट्टो घट इन्ना तां क्लैरीफाई कर दे कि तू प्रधान हैगा कि नहीं हैगा तो जे नहीं हैगा तो क्यों नहीं हैगा तो जे हैगा तो यह मतलब कि जी माफ़ी से उसनों तुसीं प्रवानगी दे दी केजरीवाल नूं एक पासे इतने जलंधर च शायद मेरा ख्याल गलत नहीं तो जगबाणी टीवी के उत्ते इंटरव्यू के उत्ते केजरीवाल नूं पुछा किसी ने कि भगवंत मान कहिंदा जी कि मैं माफ़ी दी उन्हां नाल कोई गल डिस्कस नहीं कर सकिया वह कहिंदा भगवंत मान तो मेरे को दिन में 10 बार टैलीफोन करता तो भगवंत मान लोगों को कह रहा कि मैं तो केजरीवाल नाल हले गल ही नहीं कर सकिया सैकड़े शायद सैकड़े तो नहीं दर्जना वार स्टेज साझा किया दर्जना मीटिंगा विच दिल्ली ते चंडीगढ़ विच जाके उन्होंने मिलते रहे हैं तो वह कहें सो इसलिए आना लेवल ऑफ पॉलिटिक्स आई डोंट वॉन्ट टू रिस्पोंड मोर दैन दैट वैसे टकसाली जी मेरी कल गल हुई सी उन्होंने इन्हों की इस वक्त जरा मास इरोजन हुई है ना उहदे बारे उन्होंने इलम है दे नॉट वेरी सीरियस अबाउट दिस इट इज़ जस्ट बिकॉज मीडिया ने कितने सवाल पूछ लिया होना तो उन्होंने जवाब दे दिता आई डोंट सी देयर चांस इन दिस एंटायर ग्रैंड अलायंस आई डोंट सी बिकॉज हले भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस नाल फ्लर्टिंग ते होबनॉबिंग चल रही है सर बाकी कितने एमएलए नहीं गया कहते जी असं अहदे लई नहीं केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी आण के जो अहदे वाले हैं वो जाए पार्टी से बाहर जो देश की सेवा करना चाहते हैं वो यहाँ पर रहे तो अहदे आप ही ले बैठा वा दो अहदे अरविंद केजरीवाल के कोल आ कन्वीनर का अहदा जो तीसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके ले लिया अपने खोलिया अपनी पार्टी तो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे ने जिद डिपार्टमेंट ही कोई नहीं गा काम ही कोई नहीं गा जस्ट टू मेनटेन दैट हाउस द स्टेटस एंड टू यूज दैट हाउस फॉर पार्टी अफेयरस आ इन्हों की नैतिकता मोरैलिटी एथिक्स ने केजरीवाल उन्होंने और तीन जिहड़ियां टॉप पोजीशन है वो दो जने रखी बैठे ने कहते चीफ है चीफ पीएसी का भी चेयरमैन आप ही है मतलब तीन अहदे वाला सानू कहिंदा वा कि तुसीं अहदे दे पिछे फिरदे हो व्हाट अ जोक 20 तरीक नूं इकट्ठे बैठे होणे वो इस मौके खहरा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी निशाने साधे उन्हें कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जेकर इस तरह के फैसले लेंदे रहणगे तां कांग्रेस विच कोई भी सच बोलन की हिम्मत नहीं कर सकेगा और बजाय कि कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी पुलिस ऑफिसर की इनकुआरी कराउण या ये लभण की कोशिश करन कि पंजाब पुलिस विच कालियां भेड़ां जिहड़ियां ने उन्हां नूं शट आउट किया जाए उन्होंने हर बुलंद आवाज़ नूं हर आज़ाद आवाज़ नूं दबाया जा रहा वा उन्होंने उन्होंने शो कॉज नोटिस देकर तो कांग्रेस ने सस्पेंड किया गया एक एमएलए दैट मीनस देर इज़ नो इन पार्टी डेमोक्रेसी इन कांग्रेस यदा मतलब कोई सच बोलन का हुण गांह कोई हिम्मत नहीं रख सकता
ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਫਕੋਰਸ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬੋਏ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਜਿਟਮੇਟ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਨ ਏ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਮਲੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਰੋਂਗ ਕੇਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ। ਤਾਂਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਟ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਡਰਾਵਾਂਗੇ, ਧਮਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੌਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਮ ਐਲ ਏ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇਨ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕਰੋ 93978 93978।